Assalamualaikum and welcome back to my channel everyone. आज मैं रिव्यू करूंगा सुजुकी वैगन आर का जो कि VXL वेरिएंट है। इसके अलावा टोटल तीन वेरिएंट्स हैं, एक VXR, VXL और VXL AGS। ये वाला जो वेरिएंट है ये VXL मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। जापान में ये गाड़ी 660 सीसी के इंजन के साथ आती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको 1000 सीसी इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेडेड कैम 12 वाल्व पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6200 आरपीएम पे। इसके अलावा 90 एनएम टॉर्क है 3500 आरपीएम पे। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम इसकी की बात करते हैं, जिसमें लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और दूसरी साइड पे सुजुकी का लोगो है। हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो इसमें ऑल इन वन हैलोजन हेडलैम्प्स है, साथ इंडिकेटर और पार्किंग की लाइट है। अलबत्त इसमें फोग लाइट प्री इंस्टॉल नहीं आती, लेकिन जगह दी गई है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। याद रहे कि इसकी जो फोग लाइट है ना, वो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट AGS VXL AGS में भी नहीं आती। दरमियान में इसकी ब्लैक प्लास्टिक में ग्रिल है, जिसके ऊपर क्रोम की एक पट्टी है और साथ सुजुकी का लोगो है जो कि क्रोम फिनिश में है। बाकी इस गाड़ी में कोई जापानी वैगनआर की तरह फ्रंट पार्किंग सेंसर्स या फ्रंट कैमरा इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। साइड लुक की तरफ अगर देखें तो क्योंकि एक टॉल बॉय कार है, तो इसकी जो हाइट है वो सुजुकी ऑल्टो से थोड़ी ज़्यादा है। इसी वजह से इसका जो हेडरूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो 145/80 का टायर है, जो कि 13 इंचज के अलॉय व्हील के साथ है। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, और अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो मक पर्सन स्टर सस्पेंशन इस गाड़ी के फ्रंट व्हील के लिए यूज़ की गई है, लेकिन ABS या EBD जैसी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इस गाड़ी में। फेंडर पे टर्न सिग्नल है। अगर हम इसके साइड में मिरर्स की तरफ आएँ तो ये बॉडी कलर्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल या डिट्रैक्टेबल नहीं है। ये सादे साइड व्यू मिरर्स हैं, आप मैनुअली तरीके से इसे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, साथ की होल की ऑप्शन है, लेकिन स्मार्ट की ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी में। गाड़ी के रियर व्हील में ड्रम ब्रेक्स हैं और ITL सस्पेंशन है। इसके अलावा गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 35 लीटर इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बैक लुक की अगर बात करें तो बैक से ये गाड़ी थोड़ी बॉक्सी शेप में है। इस गाड़ी की जो रियर स्क्रीन है वो डिफोगर के ऑप्शन के साथ है, लेकिन जापानी गाड़ी की तरह इसमें वाइपर नहीं है। टेल लैंप्स की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल और रिवर्स लाइट तमाम ही के लिए हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, और दरमियान में क्रोम की एक पट्टी है जिसके ऊपर वाली साइड पर सुजुकी का लोगो है, लेकिन इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता। यहाँ पर वैगनआर VXL जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट है, इसकी ब्रांडिंग की गई है। गाड़ी का रियर बम्पर बॉडी कलर में है, लेकिन इसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स नहीं है। गाड़ी की जो बूट स्पेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो रियर सीट है उस पर अच्छा खासा लेग रूम है, जिसकी वजह से इसकी बूट स्पेस थोड़ी कम है। इसके अलावा बूट सेपरेटर है, और गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है ये फुल साइज़ में है, स्पेस सेवर नहीं है, लेकिन ये अलॉय व्हील में नहीं है, ये सादा है। इसके अलावा जैको टूल किट अवेलेबल है। गाड़ी की रियर सीट रिक्लाइनिंग सीट है, आप इसको रिक्लाइन करके ट्रंक की स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो डोर ओपनर इसका सिल्वर कलर में डिज़ाइन किया गया है, साथ लॉक और अनलॉक का बटन है, और इसके जो फ्रंट दोनों विंडोज़ हैं ये पावर्ड है, लेकिन ऑटो सिर्फ ड्राइवर है। इसके अलावा विंडोज़ लॉक करने के लिए बटन है, ऑन वेस्ट है, नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और साथ स्पीकर। इस गाड़ी में फ्रंट दोनों डोर्स पर स्पीकर्स हैं। गाड़ी में फैब्रिक सीट्स हैं जो कि दो फिक्स हेडरेस्ट के साथ हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा ये मैन्युअली एडजस्टेबल सीट्स हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि ड्यूल कलर टोन में है। अगर हम इसके स्टेयरिंग व्हील की तरफ आएँ तो ये इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील है, जो कि रैक एंड पिनियन होता है, लेकिन ये जिधर है इधर फिक्स ही है। ये नॉन एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है, इसके ऊपर कोई एयरबैग नहीं है। सुजुकी का लोगो है और सिल्वर कलर का थोड़ा सा टच है इस पर, जो कि आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में कोई एक एयरबैग भी नहीं है। क्लस्टर मीटर की तरफ आएँ तो एनालॉग फॉर्म में इसका स्पीडोमीटर है, 180 इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट की गई है। लेफ्ट साइड पे RPM मीटर है, नीचे एक डिस्प्ले है जिसमें डिजिटल फ्यूल गेज है और साथ माइलेज है। स्टेयरिंग के राइट साइड पर हेडलाइट्स कंट्रोल स्विच है, जबकि लेफ्ट साइड पर वाइपर कंट्रोल स्विच है। ड्राइवर के लिए सर्कुलर शेप में एयरवेंट है, जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर कलर में की गई है, और नीचे इसके की होल की ऑप्शन है, डिफोगर का बटन है और साथ इसके स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पर सिगरेट लाइटर है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए गाड़ी में 9 इंचज का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें एक्सेलरी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, FM रेडियो वगैरह जैसी ऑप्शंस हैं। इसके दोनों तरफ में AC के वेंट्स हैं। इस गाड़ी का जो AC है वो बहुत अच्छा AC है, मतलब ये है कि आप इसको करोला वगैरह के AC के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा AC है, क्योंकि 1000 CC का इंजन है इस गाड़ी में, जिसकी वजह से AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और नीचे इसके मैनुअली AC और हीटर के कंट्रोल्स हैं। पैसेंजर साइड एयरवेंट है, लेकिन एयरबैग नहीं है।
नीजिस के ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है। ड्राइवर साइड एंड वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर और लाइट दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई। इसके अलावा कैबिन लाइट है, बैक व्यू मिरर है, पैसेंजर साइड एंड वाइजर के ऊपर भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। रियर डोर की अगर बात करें तो सिल्वर कलर में इसका डोर ओपनर है, साथ लॉक और अनलॉक का बटन है और सुजुकी वैगनर VXL में मैनुअली तरीके से आप रियर विंडो अप एंड डाउन कर सकते हैं। आर्मरेस्ट है और साथ इसके स्पीकर है। रियर सीट्स की तरफ आएँ तो इसमें दो स्मॉल साइज फिक्स हेडरेस्ट हैं। अगर हम इसके लेगरूम की बात करें तो इस टाइम जो ड्राइवर सीट है वो फुल पीछे की गई है और लेगरूम आप देख लें नॉर्मली है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है, बाकी हेडरूम में भी कोई मसला नहीं है। और लास्ट पे अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो सुजुकी वैगनर VXL मैनुअल ट्रांसमिशन की जो प्राइस है वो 21,99,000 है, जो कि तकरीबन 22 लाख इस कार की एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और अगर आप इस कार को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहले से नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।